एक इंटरव्यू के बारे में जिक्र करना चाहती थी जो कि नील जी कर चुके हैं, लेकिन इसका एक बहुत छोटा सा खूबसूरत सा हिस्सा बच गया है, वो मैं आपको सुनाती हूँ कि एक सवाल उनसे पूछा गया और वो सवाल कुछ यूँ था कि क्या प्रेम ने आपको इतना बड़ा कवि बना दिया? तो जवाब में नीरज ने कहा, हाँ, मैंने व्यक्तिगत प्रेम को विश्व प्रेम में बदल दिया। प्रेम जब शरीर में रहता है तो वासना होता है, और मन में रहता है तो प्रेम होता है, और प्रेम जब इन सब से ऊपर उठ जाता है तो वो भक्ति में परिवर्तित हो जाता है, तब शरीर की आवश्यकता नहीं होती। ये जवाब पढ़कर मुझे यूँ लगा कि ये लिखने वाला, ये जवाब देने वाला व्यक्ति कितना प्रेममय होगा। उसने प्रेम के सुख को सब में बांटा होगा और प्रेम के दुख को सहेजा होगा। बस इतना ही, बहुत समय हो गया है, बस उनकी एक कविता पढ़ूंगी जो मुझे बहुत पसंद है, आशा करती हूँ आप सब लोगों को भी अच्छी लगेगी। किसी को याद है तो वो मेरे साथ गुनगुना सकता है या पढ़ सकता है। कविता है जीवन कटना था। जीवन कटना था, कट गया, अच्छा कटा बुरा कटा यह तुम जानो। मैं तो यह समझता हूँ, कपड़ा एक पुराना फटना था, फट गया, जीवन कटना था, कट गया। रीता है क्या कुछ, बीता है क्या कुछ, मैं तो ये कहता हूँ, पर्दा भरम का जो हटना था, हट गया, जीवन कटना था, कट गया। क्या होगा चुकने के बाद, बूंद बूंद रिसने के बाद, यह चिंता तुम करो, कर्जा जो मिट्टी का पटना था, पट गया, जीवन कटना था, कट गया। और यह आखिरी लाइन, बंधा हूँ कि खुला हूँ, बंधा हूँ कि खुला हूँ, मैला हूँ कि धुला हूँ, यह विचार तुम करो, मैं तो यह सुनता हूँ, घट घट का अंतर जो कटना था, कट गया, जीवन कटना था, कट गया।